सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग? विवेक डाइस में फिर से स्वागत है। तो अभी मैं खड़ा हूँ ये आपका एलईएफ लॉ कॉलेज, जहाँ पे आज गवर्नमेंट का एग्ज़ाम चल रहा है, आपको सबको पता है। तो चलो आपको आज इस कॉलेज का अपना नज़ारा दिखाते हैं, यहाँ का जो भीड़, लोगों की भीड़, जिनके जो पेरेंट्स हैं। और अभी थोड़ा वेट करता हूँ क्योंकि मेरा एक छोटा सा प्यारा भाई, उसका भी एग्ज़ाम चल रहा है आज, तो अभी ख़त्म होने वाला है। तो उसका एग्ज़ाम शुरू हुआ था आपका 10 बजे से लेके 12 बजे तक, तो अभी 12 5 या 10 हो गया है। तो अभी बस अभी सब लोग निकलेंगे अभी, और सब लोग निकलने वाले, देखिए धीरे धीरे लोग निकल रहे, बच्चे निकल रहे, स्टूडेंट्स निकल रहे, और आपको अच्छे से दिखाते हैं उसका पूरा नज़ारा। और ये जो लॉ कॉलेज है, एनईएफ लॉ कॉलेज, यहाँ पर ज्योति कुछी लोकरा, आइए दिखाते हैं आपको अच्छे से। सब लोग स्टूडेंट्स निकल गए, और मेरा जो प्यारा छोटा भाई, वो भी अभी पता नहीं वो कहाँ, कौन सा सेट में, मुझे आगे जाके देखना पड़ेगा। ये देखिए निकल रहे सब लोग। तो ये देख सकते हैं, जैसे कि भीड़ जो देख रहे हैं, जो स्टूडेंट्स यहाँ पे एग्ज़ाम देने आए, तो लोगों की जो पेरेंट्स हैं, तो इनमें से कुछ लोग बहुत दूर से भी आए हैं, उनको काफ़ी टाइम तक यहाँ पे रहना पड़ेगा, क्योंकि मॉर्निंग 9 बजे से लेकर 12 बजे तक एंड इवनिंग 2 बजे से लेकर 4 बजे तक, तो कोई ऑप्शन नहीं है। बट वैसे आज वेदर भी, क्लाइमेट जो है काफ़ी मतलब अच्छा है, क्योंकि जैसे कि 2 दिन पहले तो काफ़ी बहुत गर्मी थी, बट आज मौसम बहुत अच्छा है। सो हम थोड़े खुश हैं कि लोगों को तकलीफ़ नहीं मिल रही है। और ये जो ये लॉ कॉलेज है, ये आपका ज्योति कुछी लोकड़ा साइड में है, एनईएफ लॉ कॉलेज। अगर किसी को आपको डाउट रहे तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते कि कहाँ लॉ कॉलेज कैसा जाना होता है, उसका तो उसका जो डिस्टेंस है कैसे कहाँ जाना पड़ता है, आप मुझे पूछ सकते हैं। सो बाय गोलू भाई, ठीक। सो कैन यू हॉल टू माई एग्जाम? ভালে হৈছে ন মোটামুটি, মানে প্র্যাকটিস কল টান আছিল, নেক্সট টান আছিল, টান আছিল। আচ্ছা, বাকি জিকে আর ইংলিশ তো ভালে হৈছে, মানে ওকে, মানে কমন পড়িছে, কমন পড়িছে না। তো তুমি তুমি কি কবা, মানে নতুন নতুন যিখিনি আৰু আপকামিং স্টুডেন্টস আছে, কেতো তুমি কি সাজেশন দিবা, মানে ধৰা ফর প্রিপারেশনৰ কাৰণে, ফর নেক্সট এক্সামৰ কাৰণে? মেইন কথা হল কি, নিজৰ প্রিপারেশনটো ঠিকে রাখো, তাৰ পিছতে কথা। আপনাকে ভালকে প্রিপারেশন করক নিজের এক্সাম এক্সামিনেশনের কারণে ভালকে। তাই বলে আমার স্কুটিখন আগত তাত আছে, বলে এটা ঘর যাও আর মজাকে ভাত সাত খাও। तो चलो अभी हम लोग घर चलते हैं, उसके बाद हम लोग लंच वंच करते हैं। लंच करने के बाद थोड़ी रेस्ट वेस्ट करेंगे, रेस्ट करने के बाद फिर दोबारा हम मानस को छोड़ने आ जाएंगे कॉलेज तक। सो लेट्स गो। घर पहुंच गए अभी, तो अभी फिर उसके बाद फिर अभी लंच वंच करके फिर उसको ब्रदर को फिर हम लोग 2 बजे जाना होगा, क्योंकि मॉर्निंग 10 बजे से 12 बजे तक, उसके बाद फिर आपका 2 बजे से लेके आपका 4 बजे तक, 2 बजे से फिर आपका 2, 3, 4 बजे तक, 2 घंटे। तो अभी आज पता नहीं वही इंटरनेट भी ऑफ किया था 2 घंटे के लिए, क्योंकि पता ही है ये रूल्स है अभी बनाया रिसेंटली गवर्नमेंट ने, और उसके बाद फिर 2 घंटे के लिए फिर 2 बजे से 4 बजे तक फिर इंटरनेट कट कर देगा। तो वही है, काफ़ी नॉर्मल जो चैनल पीपल्स है उनको काफ़ी तकलीफ होगी, हो रही है, जिन लोग उबर ओला वगैरह जो भी है, अब क्या करें, गवर्नमेंट का रूल है अब तो। ठीक है चलो, अभी खाना वाना लंच वंच करते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा रेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर उसको ले जाके कॉलेज तक लेके चलते हैं। ऑलराइट, सो मैं घर पहुँच गया, उसको छोड़ के आ गया, जो 2 बजे से फिर 4 बजे तक जो उसका एग्ज़ाम रहेगा, तो छोड़ के आ गया। और हम दोनों ने तभी हमने लंच वंच कर लिया, अच्छे से मस्त लंच किया है, मछली फ्राई के साथ पापा ने बना के रखा था। उसके बाद फिर यस, मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ, वो है गूगल एडसेंस पिन। सो मैंने मतलब कि एक्चुअली क्या था, मेरा जो एड्रेस गूगल एडसेंस पिन जो मैंने एड्रेस डाला था, तो वो मैंने मैं हम लोग जब पहले जहाँ पे हम लोग रहते थे, तो उसी का एड्रेस मैंने दिया है, क्योंकि यहाँ का फ़िलहाल एड्रेस मैंने नहीं दिया, क्योंकि जो मेरा ऑलरेडी मेरा सेटिंग्स में जो मैंने एड्रेस देख के रखा है वहाँ का, तो मुझे गूगल एडसेंस का पिन का भी जो एड्रेस है वो वही का देना पड़ेगा। सो डेट्स व्हाई मैंने वही का डाला था। और
ये तो बहुत पहले पहुंच गया था, ये शायद मेरा एक महीना पहले ही पहुंच गया था। तो और मैंने गूगल वेरीफाइड भी मैंने कर लिया एडसेंस में, तो बस वो मेरा ब्रदर वहाँ से घर से आया था, तो उसने मुझे ये लेके आ गया और मुझे दिया कि ये लो आपका गूगल एडसेंस पिन, सो जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे देते रहा। तो इसका मैं नेक्स्ट ब्लॉग भी बनाऊंगा कि गूगल एडसेंस पिन के बिफोर मतलब कि क्या होता है और उसके बाद उसका जो प्रोसीजर उसका क्या होगा, वेरीफाई पिन करने के बाद कैसा क्या करना पड़ता है, वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगा अच्छे से, क्योंकि ये भी बहुत हेल्पफुल मतलब कि एक वीडियो रहेगा, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता कि गूगल वेरीफिकेशन कैसे क्या उसका जो उसका प्रॉपर प्रोसीजर क्या है। तो यस, तो उसके लिए मुझे बनाना पड़ेगा, एक ब्लॉग बनाना पड़ेगा। तो आप बस वीडियो में हमेशा जोड़ी रहिए और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया तो सब्सक्राइब करके भी रख देना। तो या उसके बाद अभी थोड़ा रेस्ट वेस्ट करता हूँ, रेस्ट करने के बाद फिर मुझे 4 बजे जाना होगा उसके वो घर मतलब सॉरी घर क्या मतलब वहाँ पे कॉलेज जाना होगा उसको लेके, फिर उसको बाहर से उसको छोड़ के आ जाऊँगा। चलो हो गया कम्प्लीट, ভালকে দিলা এগজাম তো দিলো বয়া বয়া। তো তাতে এটা কি তোমালোকৰ হলত মানে যোনটো নামেৰে মানে এটা নামেৰে গোটেই হেইটো লৈ ন এটা ৰুমত এটা ৰুম আছে তো এটা মোৰ নাম মানস মানস তো হেই ৰুমটো সব মানস সব মানস এটা নামৰ মানুহ মানে বেলেগ বেলেগ নহয় আৰু বেলেগ বেলেগ না এটা এজন জনী মাতে গোটেই গৈ আচ্ছা বলা ঘৰ বলা ঠিক আছে গাইস। তো হ'ল গিয়া তো আজকা ইয়েই থা তো फिर आप लोगों को भी नेक्स्ट जब एग्ज़ाम वगैरह आएगा तो आपके लिए पहले से हम एडवांस आपको ऑल द बेस्ट देके रखते हैं। अब अच्छे से दो बड़े आदमी बनो, सक्सेसफुल आदमी बनो। हर पिता माता का हर पेरेंट्स का एक ख्वाब एक ख्वाहिश होता है, एक सपना होता है कि मेरा बेटा बड़ा आदमी बने। मैं तो नहीं बना यार, बट आप लोग ज़रूर बने। तो ठीक है, आज के वीडियो को यहीं पे रखते हैं, समाप्त करते हैं। लंबा वैसे कुछ अगर आपको वीडियो को इंपॉर्टेंट लगा तो आप प्लीज़ गाइस लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और ऐसे नई नई ऐसे वीडियोस में लाते रहता हूँ, जैसे कि मेरा तो नॉर्मली बाइक का रिव्यूज़ वगैरह ट्रैवलिंग के ऊपर है और साथ में साथ मैं कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी डालता हूँ इस ब्लॉग चैनल में मतलब विवेक डायरीज में, जैसे कि आज एग्जाम का हो गया वैसा वैसा। तो वही है गाइस, तो आज के लिए वीडियो यहीं पर छोड़ते हैं, तो बाय, टेक केयर।